गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तनवी फॉर्म एवरेज क्लासेस। आज 28 जून 2018 के हिंदी ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। इस पूरे लेक्चर को यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन के बेस पर रेडी किया गया है। रखिए इससे जो जिस तरह के पैटर्न्स या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एक तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह है। इस जिसमें इसमें जो भी हिंदू द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, उनके सिनोम्स एंटोनिम्स होते हैं, और तो और प्लस आपके राइटिंग सेक्शन भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जो कि आपको एक तरह से एक ही लेक्चर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी हमें सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें और अपने सजेशन हमें ज़रूर दें, और प्लस राइटिंग सेक्शंस में जो भी टॉपिक मिलते हैं उसको भी इनबॉक्स करें ताकि आप जो लिख रहे हैं दूसरे के भी आंसर्स आपके जो है रिव्यू कर पाएँ। और प्लीज़ पॉइंट्स जो होते हैं या फिर रोज़ जो भी आपके एडिटोरियल में दिए जाते हैं उससे भी आप जो है अपडेटेड रहते हैं, तो अपने आप को कम से कम अपडेट रखने के लिए जो है एडिटोरियल को पढ़िए, समझिए और डिस्कस भी कीजिए और अपने आंसर्स रेडी कीजिए। इस पूरे लेक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत इजी वे में है। पहला है आपका वोकैबुलरी जो हिंदू ट्यूटोरियल से रेडी किए जाते हैं। 10 वोकैब्स होते हैं प्लस उनके सिनोम्स एंटोनिम्स मीनिंग्स ये सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सेकंड वन इज़ इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, ये इसे एडिटोरियल के कम्प्रिहेंशन को एक तरह से यूज़ किया जाता है और क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रेडी किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग, एंड द लास्ट वन इज़ एसे राइटिंग वे वी गिव यू द एसे टॉपिक। कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज़ द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैब सेक्शन, वोकैबुलरी सेक्शन, एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ इम्पेडेड मिस अव शुड मीन्स एक वर्ब है एंड द मीनिंग इज डिले और प्रिवेंट बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। किसी चीज़ को डिले होने से या फिर आप बोल सकते हैं या किसी तरह से डिसरप्ट होने से, हैम्पर होने से अगर हम लोग बचाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इम्पेडेड, एंड द सिनोम्स आर डिसरप्ट, हैम्पर, इंटरफेयर, एंड द एंटोनिम्स आर अलाउ, असिस्ट, इनकरेज, एंड द एग्जाम्पल इज द सैप कॉजेज स्वेलिंग विच कैन इम्पेड ब्रीदिंग। सेकेंड वन इज़ प्रॉम्प्ट मीन्स उत्साह देना, किसी को आप जो है मोटिवेट करते हैं या फिर उनको जो ब्रिंग आउट करते हैं, इंथ्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्साह देना, प्रॉम्प्ट ये वर्ब है, एंड द मीनिंग इज कॉज और ब्रिंग अबाउट एंड एक्स ऑन फीलिंग, एंड द सिनोम्स आर मोटिवेट, प्रोपेल, इम्प्रेस, एंड द एंटोनिम्स आर सल्की, डायलेट्री, ग्रेडुअल, एंड द एग्जाम्पल इज द वॉयलेंस प्रॉम्प्टेड अ वेव ऑफ रिफ्यूजीज टू फ्ली द कंट्री। थर्ड वन इज एसेट्स मीन्स संपत्ति, नाउन एंड द मीनिंग इज अ यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग और पर्सन, सिनोम्स आर इक्विटी, स्टेट, गुड्स, एंड द एंटोनिम्स आर डेब्ट, लायबिलिटीज, एंड द एग्जाम्पल इज क्विक रिफ्लेक्सेस वर हिज चीफ एसेट्स। फोर्थ वन इज डिटेरियोरेटिंग मीन्स बिगड़ती, आप देख सकते हैं किसी चीज़ को वर्स हो जाता है या कम्बल्ड हो जाता है, डिक्लाइन करता है, उन्हें हम लोग डिटोरिएटिंग बोलते हैं। द वर्ब एंड द मीनिंग इज बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, एंड द सिनोम्स आर क्रम्बल, डिक्लाइन, डिग्रेड, एंड द एंटोनिम्स आर अप्रूव, कॉम्प्लीमेंट, एलिवेट, एंड द एग्जाम्पल इज रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज हैड डिटोरिएटेड शार्पली। फिफ्थ वन इज डिफिसिट मीन्स घाटा, आप बोल सकते हैं लॉसेस भी, ये एक नाउन है, एंड द मीनिंग इज द अमाउंट बाय विच समथिंग स्पेशली अ सम ऑफ मनी इज टू स्मॉल, एंड द सम सिनोम्स आर शॉर्टफॉल, डिफिशियंसी, शॉर्टेज, एंड द एंटोनिम्स आर सरप्लस, प्रॉफिट, एंड द एग्जाम्पल इज द गवर्नमेंट इज फेसिंग अ डिफिसिट ऑफ बिलियन। सिक्स्थ वन इज लैक्स मीन्स बेपरवाह, आप बोल सकते हैं केयरलेस, एंड द मीनिंग इज एडजेक्टिव, एंड द मीनिंग इज नॉट सफिशियंटली स्ट्रिक्ट, सेवर और केयरफुल, एंड द सिनोम्स आर केयरलेस, इनडिफरेंट, लीनियंट, एंड द एंटोनिम्स आर अटेंटिव, केयरफुल, केयरिंग, एंड द एग्जाम्पल इज लैक्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एट द एयरपोर्ट। सेवेंथ वन इज फॉरवर्ड मीन्स प्रस्तावना, किसी को हम लोग जो हैं आप बोल सकते हैं एक प्रिफेस के रूप में, किसी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है उसे हम लोग फॉरवर्ड बोलते हैं। एंड द नाउन एंड द मीनिंग इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक टिपिकली बाय अ पर्सन अदर दैन द ऑथर, सिनोम्स आर प्रीएम्बल, प्रिफेस, प्रोलोंग, एंड द एंटोनिम्स आर कंक्लूजन, एडेंडम, एपिलॉग,
And the example is, the author's foreword was an introduction to his background in sociology. Eighth one is unearthed, means pata lagaya, finding out या फिर किसी चीज़ को आप determine करते हैं या फिर मान लीजिए कोई खोज वगैरह करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं unearthed verb. And the meaning is find something in the ground by digging, and the synonyms are ascertain, bring to light, determine, and the antonyms are conceal, cover, hide. And the example is workmen unearthed an ancient artillery's cell. Ninth one is drastic vision, एक adjective, and the meaning is likely to have a strong or far-reaching effect, and the synonyms are dire, forceful, radical, and the antonyms are calm, collected, easy, and the example is a drastic reduction of staffing level. The tenth one is autonomy, means swaraj, एक noun है, and the meaning is the right or condition of government. Synonyms are independency, liberty, and independency. Antonyms are depend, independent, and defeat. Example is, between the first and the second wars, world war, Canada gained greater autonomy from Britain. Coming to the editorial analysis section, as आजकल जो editorial है वो economy based है. RBI ने जो है ये concern दिखाया है कि जो NPA जो हैं, यानी non performing assets, वैसे assets को बोले जाते हैं जब किसी को कर्ज, कोई अगर मान लीजिए बैंक से कर्ज वगैरह रहता है, अगर वो लौटा नहीं पाता है उसे NPA बोलते हैं. ये उसका कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस लेके आएगा, और ये वॉर्न कर रही है, वो आप समझ सकते हैं कि वो एक तरह से अंदेशा जता रही है इसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होने वाला है. आप देखेंगे इंडियन बैंक्स में इसका कंडीशन बहुत ही NPAs का बहुत ही ख़राब होने वाला है, जो भी NPA के कारण ही. फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ट्यूसडे को. उन्होंने उसमें वॉर्न किया है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी कि टोटली जो आपके आएंगे GNPAs, वो कमर्शियल बैंक में वो जो है 11.6%, जो कि मार्च में रहा था 2018 में, वो अगले साल यानी कि मार्च 2019 में 12.2% हो जाएंगे. यानी 11.6% से जो है नेक्स्ट ईयर 12.2% जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे. तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस चीज़ का जो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो बैड डेब्ट्स वगैरह हैं, जो आप ऐसे एकदम चले गए हैं 10 सालों में, 2 decades में देखे जा रहे हैं, यानी कि 20 सालों में, वो सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिलेगा. यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि जो NPA के जो बैंक जो हैं वो करेक्टिव जो फ्रेमवर्क उनका है, एक्सपेक्ट किया गया है उनका राइज 22.3% से जो मार्च 2019 में जो है 21% जो इस मार्च में रहा था उससे 22.3% हो जाएंगे. तो आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा जो वेरिएशंस दिखे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताया, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में NPA के कारण जो है हमें थोड़े से इकोनॉमिक जो है अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है हमें देखना पड़ेगा. आप देखेंगे अगर रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो देख रहे हैं कि आप देखेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में जो कि एक्सपेक्ट किया था गया था कि वो ड्रॉप होगा 13.5% मार्च 2018 में, जो कि अब जो है मार्च 2019 में 12.8%. क्लियरली यहाँ पे टोटल रेशियोज दिए गए हैं, परसेंटेज दिए गए हैं कि क्या कंडीशंस अभी है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है. आप देखेंगे अगर इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हमारे पास हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो इसमें एक्सटर्नल रिस्क वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है. क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारे इकोनॉमी को और हमारे बैंक्स को, आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिज़र्व जो हैं वो जो हैं मॉनेटरी पॉलिसीज जो को टाइट कर दिए हैं, प्लस उन्होंने जो मार्केट से जो है पैसे उठाने भी स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि इन बॉरोइंग उनका स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण जो है हमारे यहाँ जो अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं तो उनके पास इन्वेस्ट होगा. तो कहीं ना कहीं क्रेडिट फ्लो भी जो है अभी जो मार्केट में जो है वो अच्छे तरीके से जो है प्रॉब्लम सॉरी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, और ये आने वाले दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर, प्लस आपके कमोडिटीज़ के प्राइस जो हैं वो भी रेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रॉब्लम्स सिग्निफिकेंट कर रही हैं. रुपी को अगर इस तरह से अगर आपके वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो रुपीज़ में भी गिरावट देखी जाएंगी, जो कि हमारे यहाँ अच्छे नहीं हैं, और इकोनॉमिक में स्लो डाउन होंगे, प्लस हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है सारे बैंकिंग सिस्टम्स में
प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। प्लस आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर भुक्तभोगी जिनको हम बोल सकते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे बड़ा स्कैम्स वगैरह भी जो हो रहा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही हो रहे हैं प्राइवेट के रिस्पेक्ट में। अभी आपको अगर एग्जाम्पल अगर इसी साल का एग्जाम्पल दिया जाए तो पंजाब नेशनल बैंक में देखे गए हैं जो कि बहुत बड़ा यूज स्कैम रहा है। आरबीआई ने यह भी नोट किया है कि 85% जो फ्रॉड हैं वो पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक से ही रिलेटेड हैं, जिनके शेयर्स वगैरह जो हैं एनपीए के फ्रेम्स में आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इन हिज फॉरवर्ड टू द रिपोर्ट, अब रिपोर्ट में जो है बताए गए हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो हैं विरल आचार्य ने यह भी नोटिस किया है कि जो गवर्नेंस है रिफॉर्म पीएसबी का, अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अगर इम्प्रूव नहीं कर किया जाएगा इनको, तो हमारे पास बहुत बड़ा जो है वो रिस्क है और इसको रिस्क को रिड्यूस करना पड़ेगा नए जो टेक्निक्स और नए चीज़ों को लेकर के। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है कि रिकैपिटलाइजेशन जो प्लान लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कैपिटल सॉल्यूशन के लिए, ऐसे कहीं ना कहीं जो हैं चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन अभी जो है ड्रास्टिक चेंजेस लाने की ज़रूरत है और आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है फ्यूचर क्राइसिस से बचाना है तो ये ऑटोनॉमी ऑनरशिप जो है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये थे तो आपके एडिटोरियल के एडिटोरियल सेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एडिटोरियल के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की तरफ। एंड द फर्स्ट टू इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ऑटोनॉमी एंड द ऑप्शंस आर ए डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंसी, सी डिफीट, डी इंडिपेंडेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज बी इंडिपेंडेंसी। सेकेंड वन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड इम्पेडेड एंड द ऑप्शंस आर ए डिसरप्ट, बी हैम्पर, सी इंटरफेयर एंड डी अलाउ। And the correct answer is D, allow. Coming to the third one, that is in the following question, out of the four alternative, choose the word which is similar in the meaning to the given word deteriorating. And the options are A, approve, B, crumble, C, elevate, and D, compliment. And the correct answer is D, crumble. Coming to the fourth one, that is the sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question and the question is the worst dash far from over for Indian banks and the options are A, R, B, is, C, has, D, have. And the correct answer is B, is. Coming to the fifth one, that is the sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question and the question is all these factors could well combine to increase the risk of an economic slowdown and exert pressure dash the entire banking system. And the options are A, off, B, on, C, at, D, upon. And the correct answer is B, on. Coming to the idioms and phrases section, and the first one is lion in the way means a hindrance. Example, a brave man overcomes all the lions in the way of his goal. Second one is lion's mouth means a dangerous situation. And the example is the police inspector is in the lion's mouth these days. Third one is loaves and feces meaning personal profit as a motive for religious, professional or public service. And the example is the honest hate loaves and feces. Fourth one is lock, stock and barrel means completely. And the example is the criminal has captured Mr. Ramlal's factory lock, stock and barrel. Fifth one is to lower one's sight means to be less ambitious. And the example is I advise him to lower his sights. Coming to the next one, that is our essay topic section and the today's topic in instability in economy. आप जिस तरह से instability देखी जा रही है economy में, क्या economy slow down करेंगी, इस पर प्लीज़ आप अपने आंसर्स रेडी कीजिए, हमें इनबॉक्स कीजिए और जिससे आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप करेंगे। RGD बैंक POs वगैरह में अगर आप फेस करते हैं तो इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करते हैं, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजी वे में उसे आंसर दे पाएंगे। इस पूरे एडिटोरियल को जो हैं जो आपके स्क्रीन पे आते हैं प्लीज़ उसे रीड आउट कीजिए ताकि आपके प्रोनंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल जो हैं वो बेटर हो पाएँ। हम लोग अनएम्प्लॉयड फ्री बिहार मुहिम से जुड़े हैं मीन्स बेरोजगार मुक्त बिहार, और आपका भी साथ हमें चाहिए। और इसके लिए अगर आपके आसपास में या फ्रेंड्स में या फैमिली में किन्हीं को भी अगर जॉब की ज़रूरत है प्लीज़ आप उनको हमारा एड्रेस हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर प्रोवाइड करवाइए। ये एक छोटी सी मुहिम है बिहार को बेरोजगार मुक्त बनाने की और इसमें आपका भी साथ हमें चाहिए।
और जिन स्टूडेंट्स को या फिर जिन एस्पिरेंट्स को जो है इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करने में प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हम लोग जो हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन भी करवाते हैं, जिसके रिगार्डिंग आप हमारे ऑफिस में 3 से 5 बजे के बीच में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना, एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना, एंड यू मे ऑल्सो कॉल अस ऑन 7279845076, 7279845076 एंड 7004154803, 7004154153। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एवरेस्ट क्लासेस फॉर लेटेस्ट अपडेट।